वाली 28 तारीख को दोहा में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने जा रही है उसमें भारत शायद पीछे रह सकता है, क्योंकि इसकी पीछे जी जो वजह है वो है हेमा दास और सरिता गायकवाड़। सरिता गायकवाड़ और हेमा दास जो है वो अनफिट है, वो मेडिकल लीव पे है। हमारे साथ ही अभी यहाँ पे सरिता गायकवाड़ है, हम उनसे बात करते हैं क्या है आखिर मेडिकल लीव पे हो क्या है। जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप 28 से दोहा में होने जा रही है, उसमें मैं और हिमा दो प्लेयर जो पार्टिसिपेशन नहीं करें, और मेरा उसका वजह है कि मैं 4 मंथ के लिए ट्रेनिंग के लिए गई थी पोलैंड, तो वहाँ पे अचानक से ट्रेनिंग में मोच आ गया था, तो मैंने छोड़ दिया था। डॉक्टर की सलाह ली, उसने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने नॉर्मल ले लिया, तो कंटिन्यू ट्रेनिंग करती रही। और उसके बाद जो इंडिया में आई नेशनल टूर्नामेंट हुई, उसमें मैं अचानक से मतलब फाइनल में भागी और 300 मीटर तक भागी, और बीच रास्ते मतलब आधा 100 मीटर बाकी था, वहाँ पर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह वो है, मतलब मैं पार्टिसिपेशन नहीं कर रही हूँ। कितने दिन का मेडिकल लीव है और कौन कौन अभी इस टूर्नामेंट में आपकी वजह से कौन भाग ले सकेगा? हाँ, जैसे कि हम मैं और हिमानी भाग ले रहे, तो हमारे पीछे के जो 5 और 6 नंबर पे जो भी आते हैं वो जा रहे हैं खेलने के लिए, उन लोग को भी सीखना मिलेगा, और थोड़ा लॉस तो होगा क्योंकि जो मेन प्लेयर है वही नहीं भाग रहे, ऐसा है। कब तक फिट हो सकती है और आगे वाली आने वाली कौन सी टूर्नामेंट में आप भाग लोगे? हाँ, जैसे कि इंजरी के अलावा मुझे जो एक लेग में जो छोटी सी गांठ थी वो निकालनी थी, क्योंकि पहले से छोटी थी, पर जब डॉक्टर को दिखाया था उन्होंने बोला कि मतलब एक कुछ प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल है, तो मैंने भी तभी करवाना था, वो निकलवाना था, पर उसमें क्या है कि जैसे कि एशियन टूर्नामेंट जो भी आते गई, तो मैं बीच में टाइम नहीं मिला, तो आज टाइम मिला तो नवसारी जो है गुजरात में नवसारी और वहाँ श्रद्धा हॉस्पिटल वहाँ पे दिखाया, और डॉक्टर ने जो टाइमिंग दिया था कि ऐसा ऐसा मतलब, तो हॉस्पिटल गए और फिर वो सर्जरी करवाई और फिर अभी मैं फ्री हूँ। तो कौन सी इवेंट है यहाँ पे आपकी जो रन में इवेंट होती है, इस बार कौन सी इवेंट में आप भागने वाले थी? जैसे अभी तो 28 से वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, टीम ऑलरेडी निकल चुकी है और उसमें भाग नहीं ले रहे, और मैं अभी डॉक्टर ने बोला कि 15 से 20 दिन का रेस्ट लूँगी प्रॉपरली, और फिर उसके बाद फ्री होंगी अच्छे से, फिर रेडी करूँगी धीरे धीरे वार्म अप, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगी, और फिर टोक्यो जापान में जो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए मैं प्रॉपरली रेडी हो जाऊँगी। तो ये थी सरिता गायकवाड़, जिसे हम लोग गोल्डन गर्ल के नाम से जाने जाते हैं।